नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 23 अप्रैल को चुनाव आयोग ने कहा है कि राजस्थान की एक रैली में दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर आई शिकायतों की जांच की जा रही है। बता दें, पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला देते हुए मुसलमानों पर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्हें घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा गया था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने 55 साल में क्या किसी का सोना या मंगलसूत्र छीना? जब देश युद्ध लड़ रहा था, इंदिरा गांधी ने अपना मंगलसूत्र व गहने दान किए। मेरी माँ का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ है। और पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र और सोना छीन लेगी। प्रियंका ने कहा कि लाखों महिलाओं ने इस देश के लिए अपने मंगलसूत्र कुर्बान किए हैं। जब मेरी बहनों को नोटबंदी में अपने मंगलसूत्र गिरवी रखने पड़े, तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? जब किसान आंदोलन में 600 किसान शहीद हुए, तब उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा? राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। इतने पैसों से 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए साल की नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देकर उनके परिवारों की जिंदगी बदली जा सकती थी। 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ कर अनगिनत आत्महत्याएं रोकी जा सकती थी। पूरे देश को 20 वर्षों तक मात्र 400 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था। 3 साल तक भारतीय सेना का पूरा खर्च उठाया जा सकता था। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के हर युवा की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त की जा सकती थी। जो पैसा हिंदुस्तानियों के दर्द की दवा बन सकता था, उसे अडानियों की हवा बनाने में खर्च कर दिया गया। देश मोदी को इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेगा। अब हाथ बदलेगा हालात, कांग्रेस हर हिंदुस्तानी की प्रगति के लिए सरकार चलाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। बता दें, सैम पित्रोदा ने समाचार एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में अमेरिका में लगने वाले इनहेरिटेंस टैक्स की बात की थी, जिसके तहत किसी शख्स की अरबों की संपत्ति उसके मरने के बाद सीधे बच्चों को नहीं मिलती, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा सरकार को चला जाता है। इस पर अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का मानते हैं, अब इनके घोषणा पत्र बनाने में जिनकी अहम भूमिका है उनका बयान की संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि अमेरिका का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई है कि हमारा मकसद ये नहीं है। लेकिन आज सैम पित्रोदा के बयान ने पूरे देश के सामने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है। निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए सरकार में तय किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक और उसमें भी सबसे अधिक मुस्लिमों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी या तो अपने घोषणा पत्र से इस बात को वापस ले या फिर उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। सैम पित्रोदा के बयान ने किनारा करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा मुझ सहित दुनिया भर के कई लोगों के गुरु, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने भारत के विकास में असंख्य स्थायी योगदान दिया है। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पित्रोदा उन मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करते हैं इनके बारे में वो दृढ़ता से महसूस करते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों पर चर्चा करने, व्यक्त करने और बहस करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब ये नहीं कि पित्रोदा के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को दर्शाते हैं। कई बार वो ऐसा नहीं करते हैं। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो आपकी संपत्ति, आपके बच्चों के अधिकार छीनना चाहते हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो विरासत टैक्स लगाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने की भी योजना बनाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र को क्रांतिकारी करार देते हुए कहा कि घोषणा पत्र देखकर पीएम मोदी घबरा गए हैं। दिल्ली में आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी बीते 3-4 दिनों से बीमार चल रहे थे, आज ही उन्होंने फिर से चुनाव प्रचार कार्यक्रम में शामिल होना शुरू किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी इनविजिबल वोटर से डरते हैं और इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते रहते हैं।
खड़गे ने एक संवाददाता सम्मेलन में पूछा, अगर कांग्रेस कुछ भी नहीं है तो प्रधानमंत्री सबसे पुरानी पार्टी के बारे में चिंतित क्यों हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 10-12 राज्यों की यात्रा की है और पार्टी को वहाँ मतदाताओं से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। पतंजलि आयुर्वेद की सार्वजनिक माफीनामे के साइज पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल करने के अगले ही दिन कंपनी ने बुधवार को प्रमुख अखबारों में फिर से माफ़ी छपवाई है। इस बार अखबार के लगभग 1/4 पन्ने पर माफीनामा छपवाया गया है। ये माफीनामा योग गुरु रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण की ओर से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि हम अपने विज्ञापनों के प्रकाशन में हुई गलती के लिए ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं और पूरे मन से प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट के साथ ईवीएम का उपयोग करके डाले गए सभी वोटों के सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर बुधवार यानी आज फैसला सुना सकता है। फैसला सुनाने से पहले अदालत ने इस मामले में भारत के चुनाव आयोग से कुछ स्पष्टीकरण मांगा है कि अधिकारी को आज दोपहर 2 बजे अदालत में पेश होने और कुछ सवालों के जवाब देने के लिए कहा है। बता दें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था। एडीआर ने चुनावी बॉन्ड मामले में मनी ट्रेल की एसआईटी की जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि ईडी आईटी स्कैनर के तहत कई कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन दान किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनावी बॉन्ड मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला शामिल है जिसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के जरिए ही उजागर किया जा सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को बहस पूरी होने के बावजूद अभी तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आई बिस्तरा रिपोर्ट पर उनके भाई और समाजवादी पार्टी नेता अफजाल अंसारी ने सवाल उठाए हैं। उनसे पूछा गया था कि बिस्तरा रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी के शरीर में जहर पाए जाने की बात नहीं है। अफजाल अंसारी ने इस पर कहा कि पोस्टमार्टम किसने किया, बिस्तरा किसने किया, घटना की एफआईआर किसने लिखवाई, घटना की जांच कौन कर रहा है, जब सरकार खुद ही इन्वॉल्व है तो सरकार की एजेंसियां क्या करेंगी। जब मैं मौत से 2 दिन पहले गया था तो डॉक्टर डर से थर थर कांप रहे थे, वो अपना फ़ोन नंबर मुझे नहीं दे सकता था। उसने कहा कि उसे ऐसा करने से प्रतिबंधित किया गया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के प्रमुख से मैंने मिलने की कोशिश की, आधा पौना घंटा वहाँ रुका, नहीं मिलने दिया गया मुझे। एम्स का डॉक्टर अगर पोस्टमार्टम करता तो हमको भी संतोष होता। क्या कारण है कि सरकार भाग गई, क्या कारण है कि इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए कि गुनाह से पर्दा हट जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान दौरे पर दोनों देशों के बीच हुई कारोबारी सौदों को लेकर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के साथ व्यापार सौदों के मद्देनज़र प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में चेतावनी दी और कहा है कि वो ईरान पर कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के सप्लायर्स पर प्रतिबंध लगाने पर जोर देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के डिप्टी प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों की खरीद से जुड़ी गतिविधियों को बाधित करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेंगे, चाहे ये कहीं भी हो। मुझे बस इतना कहना है कि हम ईरान के साथ व्यापारिक सौदों पर विचार करने वाले किसी भी देश को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में सतर्क रहने की सलाह देते हैं, लेकिन अंततः पाकिस्तान की सरकार अपने विदेश नीति से जुड़ी बात रख सकती है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि वो इजरायली हमलों के बाद गजा के नासिर और अल-शिफा अस्पतालों में हुई तबाही और यहाँ सामूहिक कब्रें पाए जाने की खबरों से भयभीत हैं। वोल्कर तुर्क ने इन मौतों की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की है। फलस्तीनी अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने नासिर अस्पताल में मिली सामूहिक कब्रों से करीब 300 लोगों के शव बाहर निकाले हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इतने लोगों की मौत कब हुई या फिर उन्हें कब दफनाया गया। अब तक के सुर्खों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।